इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट इंट्रोडक्शन. व्हाट इज रिएक्ट, यूज आप रिएक्ट जेएस इन हिंदी, फीचर्स आप रिएक्ट जेएस इन हिंदी, हाउ टू लर्न रिएक्ट जेएस और व्हाट इज जेएस एंड जेएसएक्स. रिएक्ट इंट्रोडक्शन. व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट यूजर इंटरफेस बनाने के लिए एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है. अगर हम यूजर इंटरफेस में जाते हैं तो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, मेनू ड्रिवन यूजर इंटरफेस होता है, बहुत सारे होते हैं. इसमें हम समझेंगे यूजर इंटरफेस. रिएक्ट का उपयोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है. नाम से ही पता चल जाता है कि एक पेज, और ऐप यूजर्स टाइम में रीलोड नहीं होता, मतलब कि यूजर अगर उसको उपयोग करता है तो ये बार बार रीलोड नहीं होता है. इसमें कंटेंट को डायनामिकली लोड किया जाता है. इसको बनाना और उपयोग करना बहुत ही सरल होता है. रिएक्ट हमें रीयूजेबल मतलब फिर से प्रयोग करने योग्य UI कंपोनेंट बनाने की अनुमति देता है. हर साल नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हाँ, और हमको उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ता है. नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे काम को पहले के मुकाबले और भी आसान कर देता है. वेब टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है. रिएक्ट टेक्नोलॉजी में जियोक्वेरी की जगह धीरे धीरे अब रिएक्ट ने ले ली है. वेब डेवलपमेंट की फील्ड में रिएक्ट जेएस बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है. इसका उपयोग बहुत बड़ी कंपनियां करने लगी है, जैसे नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम. रिएक्ट जेएस का उपयोग क्यों किया जाता है? रिएक्ट जेएस का मेन काम ये होता है कि यूजर इंटरफेस करना जो जल्दी बन सके और ऐप की स्पीड को बढ़ा दे. रिएक्ट जेएस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको सीखना बड़ा सरल है. इसके कोड को बहुत ईजी डिबग किया जा सकता है. इसको यूज करके वेब ऐप के साथ साथ मोबाइल ऐप भी बिल्ड किए जा सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है क्योंकि रीयूजेबल है, कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं. और करीब फेसबुक ने 20,000 कंपोनेंट बना रखे हैं. रिएक्ट जेएस को यूज करके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी बहुत ईजी और जल्दी डेवलप की जा सकती है. रिएक्ट जेएस के फीचर्स क्या क्या हैं, जिसमें नंबर वन में आता है जेएसएक्स, कंपोनेंट्स, वन वे डाटा बाइंडिंग, वर्चुअल डोम, सिंप्लिसिटी और परफॉर्मेंस. जिसमें रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको इंटरेक्टिव यूआई वाले वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप बिल्ड करने के लिए बनाया गया था. रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिससे यूआई इंटरफेस बिल्ड किए जाते हैं. व्हाट इज वन वे डाटा बाइंडिंग, इस फीचर्स से ऐप को कंट्रोल करने में और हेल्प मिलती है क्योंकि ये एक यूनिडायरेक्शन डाटा फ्लो या वन डे डाटा बाइंडिंग को यूज करता है. व्हाट इज जेएसएक्स, जेएसएक्स का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है. ये एक जावास्क्रिप्ट सिस्टम एक्सटेंशन है. एचटीएमएल और एक्सएमएल इसके सिंटेक्स होते हैं जिसका यूज रिएक्ट जेएस में होता है. व्हाट इज वर्चुअल डोम, वर्चुअल डोम ऑब्जेक्ट का काम ओरिजिनल डोम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना. किसी भी यूआई को जब मॉडिफाई किया जाता है तो उसे पूरे यूआई को वर्चुअल डोम रिप्रेजेंटेशन में रीरेंडर करते हैं. फिर पुराने डोम और नए में डिफरेंट देखता है. उसके बाद फिर रियल डोम में सारे चेंज को अपडेट किया जाता है. व्हाट इज कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होता है? इसकी एप्लीकेशन सिर्फ कंपोनेंट को यूज करने के बाद ही काम करती है और हर एक कंपोनेंट के अपने फीचर्स होते हैं. इन सभी कंपोनेंट्स से मिलकर एक ऐप बिल्ड होता है. फेसबुक ने 20,000 कंपोनेंट्स बना रखे हैं. व्हाट इज सिंप्लिसिटी, रिएक्ट जेएस को सीखना बहुत ही आसान है. इसमें जेएसएक्स फाइल का यूज किया जाता है जो कि एप्लीकेशन और कोडिंग दोनों के यूज बहुत आसान बना देता है. इसके रीयूजेबल फीचर्स कोड को और इजी बना देते हैं. व्हाट इज परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस को देखकर रिएक्ट जेएस को बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. इसके सभी फीचर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इस और बाकी सभी फ्रेमवर्क से भी अच्छा काम कर रहे हैं. अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप रिएक्ट जेएस को सिर्फ एक या दो दिन में इजी तरीके से सीख सकते हैं. बस आपको जावास्क्रिप्ट का ES6 कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए. तो सबसे नंबर में आता है रिएक्ट ES6, रेंडर HTML,
JSX, components, props, state, life cycle, forms, events, CSR और SAWS, SAS. React.js एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है. पहले फेसबुक का यूजर इंटरफेस कैसा दिखता था, बार बार पूरे पेज को रिफ्रेश या पुनः लोड करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है. आज हर बार नया अपडेट आता है और उस पर क्लिक करने पर स्वचालित रूप से आपका पेज ताज़ा हो जाता है, मतलब रिफ्रेश हो जाता है और आपको नवीनतम अपडेट दिखाई देगा. यह React.js है. React को सबसे पहले फेसबुक के लिए काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वाक ने बनाया था. 2011 में फेसबुक पर न्यूज फीड और 2012 में instagram.com पर पहली बार प्रतिक्रिया हुई. व्हाट इज JSX? React में टेम्पलेटिंग के लिए नियमित जावास्क्रिप्ट का उपयोग करने के बजाय यह JSX का उपयोग करता है. JSX सरल जावास्क्रिप्ट है जो HTML को अनुमति देता है और HTML टैग सिंटैक्स का उपयोग प्रस्तुत करने के लिए करता है. HTML को React फ्रेमवर्क के जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस किया जाता है. हम पुराने जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं. JS और JSX में क्या अंतर है? JS केवल एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनली कार्यक्षमता जोड़ती है, और JSX जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स का एक अतिरिक्त है जो HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का मिश्रण है. JS और JSX को दोनों इंटरचेंजेबल है, लेकिन JSX यूजर के लिए कोड को बहुत आसान बना देता है.